महाराष्ट्र में चुनावी घमासान जोरों पर है, जनता से कसमें वादे भी रोज किए जा रहे हैं। आज बीजेपी ने भी वादों का पिटारा खोला, लेकिन पीएमसी बैंक के पीड़ितों के जख्म पर मरहम का संकल्प नदारद रहा, वो भी तब जब बैंक की गाड़ी कमाई फंसने से एक शख्स ने दम तोड़ दिया और अभी अभी एक और शख्स ने दम तोड़ दिया। जो कोरे आश्वासन गवर्नमेंट ने दिया है उससे मौत हो गई है। परिवार का जो आदमी चला गया, सरकार या कोई भी उसको वापस ला सकता है? इससे बड़ी, पैसे से ज्यादा बड़ी क्षति इनके परिवार को हुई है। विदाउट नोटिस सीधा जो गोली मारी गई है, वो 17 लाख परिवार उस दिन से आज तक उनके शरीर में से खून बह रहा है रोज। गाढ़ी कमाई फंसी तो जिंदगी पर बनाई। मुंबई में पीएमसी बैंक में 90 लाख जमा करने वाले संजय गुलाटी ने दम तोड़ दिया। जेट एयरवेज की नौकरी खोने के बाद से ही वो परेशान थे, बैंक पर बैन ने उन्हें तोड़ दिया। दिव्यांग बेटे के इलाज के लिए अपने ही पैसे को वो निकाल नहीं पा रहे थे। एक्चुअली वो कल गए थे वीटी में, गए थे वहाँ धरना उनका था, धरने पे गए थे। कई दिनों से परेशान चल रहे थे कि फाइनेंशियली वो बैंक से विड्रॉ नहीं कर पा रहे थे। हाँ, एक्चुअली बच्चों की पूरा प्रॉपर बच्चा उनका ट्रीटमेंट के लिए प्रॉपर पैसे भी थोड़ा सा, वो फाइनेंशियली बहुत परेशान चल रहे थे। गोली से हम लोग छलनी है 17 लाख परिवार, और हमको ना न्याय मिल रहा है, ना पैसा मिल रहा है, ना सुनवाई हो रही है, बस सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। अपने पैसे के लिए संजय सड़कों पर भी उतरे, बैंक के बाहर प्रदर्शन भी किया, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा और फिर इस जंग में हार गए। बीती रात दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। ये बड़ी सीरियस बात है। ये एक्चुअली इसको शॉक लग गया एक किस्म का, कि पहले तो उसकी जेट एयर से जाप गई एकदम कटक जी। उसके बाद जितना उसकी सैलरी पैसा तक कमाई थी, उसकी सेविंग थी, उसने बैंक में डाल रखी थी FD में जी। उसका बच्चा एक डिसेबल्ड है, एज 18 ईयर्स, तो उसके लिए थोड़ा पैसा रखा था भाई, इसको थोड़ा खर्चा 25-30 हज़ार रुपये महीने की उसका खर्चा महीने का एक स्पेशल स्कूल के लिए जी। तो ही गॉट शॉक्ड, एवरीथिंग स्टॉप। 51 साल के संजय गुलाटी मुंबई के ओशिवारा में एक सोसाइटी में रहते थे। ओशिवारा के पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में उनका अकाउंट था। उन्होंने सारी जमा पूंजी यहीं रखी थी कि मुश्किल के वक्त काम आएगी, लेकिन जब मुसीबत आई तो बैंक ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। इस वक्त हम ओशिवारा में संजय गुलाटी जी के घर के बाहर हैं। संजय गुलाटी जी, माना जा रहा है कि पीएमसी में पैसा फंसा होने के कारण उन्हें बहुत बड़ा एक झटका लगा है। ये आखिरी यात्रा के लिए उनका जो शव है वो इस वक्त यहाँ पर निकला है बिल्डिंग से बाहर, और पीएमसी के कस्टमर्स जो हैं वो और उनके घर वाले, उनके रिलेटिव, उनके नेबर्स, इस बिल्डिंग में कई लोगों का अकाउंट पीएमसी बैंक में था। आश्वासन अगर आपको देना ही है तो आप पहले दीजिए ना। सरकार हमेशा कितने लोगों के मरने के बाद ही क्यों जागती है, ये आज से नहीं, हम इतने सालों से देख रहे हैं। मैं 40 साल का हो गया, मैं बचपन से ये देख रहा हूँ। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग मरते हैं, उसके बाद सरकार उठती है, फिर बोलती है हम इसको सॉर्ट कर देंगे। तो हम इंतजार क्यों करते हैं, इंतजार क्यों करते हैं? पीएमसी के संजय गुलाटी जैसे लाखों पीड़ित हैं जिनकी जिंदगी भर की कमाई अटकी हुई है। वो रोज बैंक जा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, नेताओं से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी हालत पर तरस खाने वाला कोई नहीं है। कोई कानून की दुहाई दे रहा है तो कोई रिजर्व बैंक से लगी बंदिशों का। लाइफ जो बोलेगा तो भाई, रात दिन नींद नहीं आ रही है, रात को दो दो गोली, स्लीपिंग टेबलेट, कभी मैं जिंदगी में स्लीपिंग टेबलेट नहीं लिया, आज मुझे लेना पड़ता है। पिछले 23 तारीख जब इसे अनाउंस हुआ, ओवरनाइट कैसा उसने RBI ने डिक्लेयर किया कि बैंक बंद हो गया, एक ग्रेड उसको दिया गया सर्टिफिकेट, प्लस ऑडिटर ने जिसने दिया है वो क्यों नहीं अंदर है, 14 डायरेक्टर्स अभी तक बाहर घूम रहे हैं। हमें, हमारा BP एकदम हाई हो गया, मेरे हस्बैंड से तो, हस्बैंड का तो मेरे से भी ज्यादा उम्र है, तो उनको ज्यादा तकलीफ हो गई। और हमें रातों रात ऐसा RBI ने करना नहीं चाहिए था, RBI ने जो स्टेप लिया ना वो बड़ा खराब लिया है। महाराष्ट्र में BJP और शिवसेना की सरकार है। आज ही BJP ने लंबे चौड़े वादों के साथ चुनावी घोषणा पत्र का ऐलान किया, लेकिन इसमें ना तो पीएमसी बैंक को लेकर कोई संकल्प दिखा, ना कोई ही पीड़ितों के लिए भरोसे के दो बोल दिखे। आज तक से खास बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने जरूर भरोसा दिलाया कि किसी का पैसा नहीं डूबेगा। जहाँ तक पीएमसी का सवाल है, जितना गबन है उससे ज्यादा प्रॉपर्टी सीज कर ली गई है, अब लीगल प्रोसीडिंग का सवाल बचा है, तो पैसा तो बाय एंड लार्ज सबका वापिस आना है। और 1 लाख तक का पैसा हम वापिस दे देते तो 80% लोगों का पैसा डिपॉजिटर इंश्योरेंस स्कीम एक्ट के तहत वापस दिया जा सकता है, मगर वो प्रक्रिया है, मुझे लगता है कि 1-2 महीने में वो प्रक्रिया समाप्त होगी। पीएमसी बैंक पर 6 महीने का बैन है और लोग बेचैन।
भले ही 6 महीने में निकासी की लिमिट 40,000 रूपए कर दी गई हो, लेकिन डूबता पैसा लोगों की सांसों का सौदा कर रहा है। जिस बैंक में अपना पैसा सुरक्षित मानकर रखा था, वो खुद लुटेरा निकल गया। सवाल है कि आम जनता जाएगा, भरोसा किस पर करे, अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई कैसे बचाए। सौरभ वक्तानिया के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। एक बार फडणवीस सरकार के नारे को अमली जामा पहनाने के लिए बीजेपी आज वादों का पिटारा खोला, लेकिन सबसे बड़ा संकल्प सावरकर को भारत रत्न दिलाने का था। बीजेपी ने इस ऐलान के से एक तीर से दो शिकार किया। महाराष्ट्र की चुनावी जंग में बीजेपी ने वीर सावरकर को भी उतार दिया है। आजादी की लड़ाई के हिंदू चेहरे के बहाने बीजेपी ने हिंदू कार्ड चला। आज संकल्प पत्र जारी करते हुए बीजेपी ने वीर सावरकर को भारत रत्न दिलाने का संकल्प लिया। बिल्कुल, हमने ये कहा है कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से हमने इसकी अनुशंसा की है, अब केंद्र सरकार के पास जाकर इसका फॉलो अप महाराष्ट्र सरकार करेगी, और मुझे विश्वास है हम अगर फॉलो अप करेंगे तो निश्चित रूप से होगा। इस संकल्प पत्र में हमने इसका समावेश किया। बीजेपी के सावरकर दावों पर सियासी पारा चढ़ने में देर नहीं लगी। पहले कांग्रेस ने गांधी की हत्या केस के जांच के घेरे वाला लंच किया, तो ओवैसी ने ट्वीट कर सावरकर पर सवालों का पुलिंदा खोल दिया। अब बीजेपी जवाब के साथ तैयार थी। वीर सावरकर एक जबरदस्त क्रांतिकारी थे। उनको जिस प्रकार काले पानी की एक नहीं दो दो काले पानी की सजा दी गई, और जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। मुझे लगता है कि सारे देश को अपनी भूल सुधार कर वीर सावरकर को सर्वोच्च सम्मान देना चाहिए। बीजेपी ने भारत रत्न के लिए सावित्री फुले का भी संकल्प कर दलितों को भी रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। फिर दावों का पिटारा भी खोल दिया। 5 साल में 1 करोड़ नौकरी का वादा, महाराष्ट्र में हर नागरिक को घर का वादा, 30,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें, प्राथमिक जरूरत के लिए 5 लाख करोड़, शिक्षा में गुणवत्ता पर जोर देगी बीजेपी। आने वाले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरियों का निर्माण करेंगे। 1 करोड़ परिवारों को महिला बचत समूह से जोड़कर रोजगार के विशेष अवसर उपलब्ध कराएंगे। प्रत्येक बेघर में सन 2022 तक घर के प्रत्येक घर को पीने का शुद्ध पानी मुहैया कराएंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना मिलकर चुनावी मैदान में है, लेकिन दोनों ने जनता से अलग अलग वादे किए। शिवसेना पहले ही घोषणा पत्र लेकर आई, जिसमें बिजली के दाम 30% करने के साथ किसानों की कर्ज माफी थी। साहिल जोशी, मुंबई आज तक। प्रधानमंत्री मोदी भी चुनावी हुंकार भर रहे हैं। आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उन्होंने 370 को लेकर कांग्रेस को चुनौती दी। मैं आपकी मानवता को जगाना चाहता हूं। जब टीवी पर कश्मीर की कोई मां आतंकवाद के रास्ते पर चल पड़े बेटे को वापस लाने के लिए 5-5 नमाज करती है, आंख में आंसू बहा करके टीवी के सामने बेटे को लौट आने के लिए रिक्वेस्ट करती रहती है, घर से चला गया बेटे का छोटा सा बच्चा उसकी गोद में है, वो मां चीख चीख करके कह रही है तुम आतंकवाद के रास्ते से वापस आओ। मैं उन मानवतावादियों से पूछना चाहता हूं, जब कश्मीर की वो मेरी मां अपने बेटे को आतंकवाद का रास्ता छोड़ करके वापस आने के लिए अल्लाह के सामने सर झुकाती रहती है, नमाज करती रहती है, आंसू बहाती रहती है, ये मानवतावादी कांग्रेस के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या उस मां को उसका बेटा वापस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और बेटे बम बंदूक के रास्ते पर न चले जाए, ऐसी कश्मीर की माताओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।